तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप चीनी। चीनी हमें कम ही लेनी है, ज़्यादा चीनी नहीं लेनी है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। फ्लेम को ऑन करेंगे और चीनी को अब हम पकाएंगे। इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि इसमें एक तार की चाशनी ना बन जाए। फ्लेम को आप हाई टू मीडियम पर रख सकते हैं। स्टार्टिंग में हम फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए, मैं अब आपको चाशनी चेक करा देती हूँ। ये मैंने चम्मच में निकाल कर थोड़ी सी ठंडी कर ली है। इसमें एक तार आ रहा है, बहुत ही हल्का सा आ रहा है क्योंकि चाशनी भी थोड़ी सी गर्म है। जैसे ये पूरी ठंडी हो जाएगी तो ये तार एकदम साफ़ दिखने लगेगा। इसका मतलब यह है कि हमारी जो चाशनी है ये अब तैयार है। फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को आप एकदम लो रखें। ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है ये काफ़ी थिक लग रहा है। इसके टेक्सचर को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ और घी को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अभी मैंने लो ही रख रखा है और अब हम इस मिक्सचर को जब तक पकाएंगे जब तक ये पैन छोड़ना ना स्टार्ट कर दे और एक लंप जैसा ना फॉर्म होने लगे। अब ये देखिए काफ़ी लिक्विडी है, तो इसे अभी हम थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। बर्फ़ी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से अपनी जो ट्रे है उसको ग्रीस कर लिया है और उस पर ये बटर पेपर लगा कर इसे भी मैंने ग्रीस कर लिया है। तो आप जो भी प्लेट या थाली का यूज़ करने वाले हैं उस पर पहले से ही बटर पेपर लगा लें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें कंटिन्यूस चलाते रहना होता है, इसलिए आपको प्लेट को ग्रीस करने का टाइम बीच में नहीं मिलेगा। तो आप पहले से ही ग्रीस करके रखें। ये देखिए, लगभग 1 से 2 मिनट हो गया है और ये पहले के कंपैरिजन में काफ़ी थिक होने लगी है। अभी हम इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि ये थोड़ी और थिक हो जाए। ये जो मिक्सचर है थोड़ा थोड़ा तले में चिपक रहा है, तो हम 1 चम्मच घी इसमें और डाल देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है अब ये पैन छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए, और एक लंप जैसा बनने लगा है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 1 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे सेट होने के लिए अपने ट्रे में डालेंगे। जितनी थिकनेस हमें चाहिए उस हिसाब से इसे हम फैला लेंगे। तो ये देखिए, हमारी जो बर्फ़ी है अच्छे से मैंने प्लेन कर ली है। अब मैं इसे 2 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के बाद। तो चलिए, अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देती हूँ। हमारी जो बर्फ़ी है वो सेट हो गई है, इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। तो अब मैं इसे इस ट्रे में से निकाल लूँगी। तो इसे कट करने से पहले मैं इसे गार्निश करूँगी। इसे गार्निश करने के लिए मैं चांदी का वर्क इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए, अब हम इसे कट भी कर लेते हैं। जैसे हमें मार्केट में चॉकलेट बार मिलते हैं उस तरीके का मैं इसे कट करूंगी। और ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये जो मैंने बार बनाया है कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो चलिए, अब हम इसे सर्व भी कर लेते हैं।
सो एवरीवन, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।